इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर इस तरह का कोई संदेह रखा है डबल समेशन, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग पहले मीनिंग को समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए अगर मैं आई की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो जे की वैल्यू 1 2 3 से लेके कहाँ तक जाएगी, एन तक। इसका मतलब ये जो सीरीज हमें दिखाई दे रहा है वो सीरीज क्या होगा, देखिएगा nC0 प्लस nC1 प्लस nC0 प्लस nC2। लाइकवाइज ये सीरीज जाएगी nC0 nCn से फॉर इक्वेशन नंबर। इसी तरीके से अगर मैं आई की वैल्यू 1 रखता हूँ तो देखिए जे की वैल्यू क्या जाती है, 2 3 4 करते करते एन तक जाएगी। तो अब ये सीरीज क्या बनेगा, देखिए nC1 प्लस nC2 प्लस nC1 प्लस nC3। लाइकवाइज nC1 प्लस nCn क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से अगर हम सीरीज को बढ़ाते चले जाएंगे, से फॉर आई की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर रखे हैं, देखिए आई की वैल्यू को 2 रखें तो जे की वैल्यू क्या आएगी, 3 4 5 6 से लेके एन तक। तो ये बन जाएगा देखिएगा nC2 प्लस nC3 प्लस nC2 प्लस nC4। लाइकवाइज आप देखेंगे कि ये nC2 प्लस nCn है इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से अगर आखिरी में चलते हैं आई इक्वल टू एन माइनस वन तो जे की वैल्यू सिर्फ एन आएगी, तो आखिरी में जो आने वाला है वो nCn-1 प्लस nCn आए। तो ये हमारा nth हमारा ये बनेगा, ठीक है, n-1 इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, 1 2 3 4 को सबको ध्यान से देखें, तो आप देख सकते हैं हर एक वेरिएबल कोफिशियंट एन टाइम्स आ रहा है। देखिए nC0 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 एन टाइम्स आ रहा है। देखिए अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखिए nC0 आ रहा है एन टाइम्स, nC1 भी आ रहा है एन टाइम्स। इसी तरीके से आप देखेंगे तो nCn भी आ रहा है कितने टाइम्स, एन टाइम्स। तो इसका मतलब इन सब का जो सम है वो कुछ नहीं बल्कि एन टाइम्स ऑफ nC0 प्लस nC1 प्लस nC2 लाइकवाइज nCn के बराबर होगा। तो इसका हम सम जानते हैं पहले से, दिस इज इक्वल टू 2 to the power n। सो डबल समेशन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन nCi प्लस nCj दिस इज इक्वल टू n टाइम्स 2 to the power n। तो आप आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। इसमें अगर कोई भी डाउट हो, कुछ दिक्कत हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए। थैंक यू।